फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा धीर आज मैं बहुत ही यूनिक से एक टॉपिक पे आपसे बात करने लगी हूँ ये बहुत ही रेयर आपने ये वीडियो देखी होगी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिकली ये क्या है इन्हें मोलस्क बोलते हैं अगर हम इनकी बात करें और यूजली ये कहाँ मिलते हैं समुद्र के किनारे पानी में मिट्टी में बिल्कुल डेप्थ में जहाँ पानी होता है ये वहां पर पाए जाते हैं तो ये मुझे कहाँ से मिले ये क्वेश्चन है राइट मैंने अभी एक पिक्चर शेयर की है और अभी जैसे वीडियो का आप जैसे भी देखेंगे बीच में मैंने पिक्चर शेयर की है मेरे मेरा एक सैलॉन है लेडीज़ पार्लर है मेरा तो वहाँ पे मैंने जब वो शिफ्टिंग की थी मैंने न्यू अभी फ़ोर मंथ्स बैक अभी एक सैलॉन शिफ्ट किया था तो वहाँ पे हम एक प्लांट लेकर आए थे एयर प्योरीफायर के लिए तो हम यूजुअली जिस दिन से वो प्लांट लेकर आए थे तो हम उसमें एक कॉइन रोज डालते थे कि हमारे यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ हो और है ना तो हम रोज़ डालते थे बहुत पैसा आएगा एंड ऑल हम एक मजाक में ही मतलब ऐसे बोलते थे और हम उसमें रोज़ एक कॉइन डालते थे तो हम जब उस सलॉन्ग का एक्सपेंशन कर रहे थे मतलब जहाँ पे मैंने लिया था तो मैं उसको और एक्सपैंड कर रही थी तो उस दिन क्या हुआ हम शिफ्टिंग कर रहे थे तो मुझे ये शंख बहुत छोटे थे मैंने उसकी पिक्चर शेयर की है कैसे वो प्लांट में बैठे हुए थे तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया ये एक्चुअली क्या है uh, फिर मैंने इसे गूगल यूट्यूब वगैरह हर जगह पे इसके बारे में सर्च किया तो बेसिकली ये मॉलस्क है और जो मंदिर में जो शंख होते हैं वो ये लाइव है जिंदा इसमें कीड़ा कह सकते हो आप है और जब ये कीड़ा मर जाता है तो ये इस फिर ये शंख छोड़ देता है तो ये बेसिकली इनका शेल है जो ये कीड़ा खुद उसको बनाता है और ये शेल के अंदर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है और ये बोनलेस होता है इसके अंदर कोई हड्डी नहीं अभी मैं इसको हाथ लगाऊंगी तो ये देखना अपने शेल में भी मतलब चला जाता है ये तो जब मैं इनको लिया था ये बहुत छोटे से थे अभी तो मैं इनकी बहुत केयर करती हूँ जैसे कि गायज आपने मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में देखा होगा मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी बेसिकली आम आ कर्मा बिलीवर आई डोंट नो कि मैं इनकी केयर क्यों कर रही हूँ क्या है क्या नहीं है अभी लॉकडाउन हो गया तो मेरा सैलॉन आप सब जानते हैं सब चीज़ें बंद हैं तो मैं इन्हें घर ले आई हूँ तो तब से मैं इनकी केयर करती हूँ सुबह मतलब इनको नहलाने से लेके फिर इन्हें खिलाने से लेके तो क्या क्या ये खाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी तो अब कर्मों का अब इनका यहाँ पे मेरे पास लिखा था आना और आपने बहुत यूनिक कभी शायद ही किसी के यहाँ पे सुना होगा किसी ने घर पे मतलब मॉलस को वो रख रखा है और उनको पालते हैं तो बहुत यूनिक है मेरे लिए भी है लोग भी सुनते हैं तो वो मुझे बोलते हैं तो बट हो सकता है इनके कुछ कर्म थे जो ये मेरे घर में हैं मेरे पास हैं और मैं इनकी पूरी केयर करती हूँ ये मेरे साथ रहते हैं मेरे साथ खेलते हैं तो वैसे मुझे एक छोटी छोटी आप एक चीटी की बात करें मुझे उससे इतना डर लगता है बट इनसे मुझे आपको भी शायद लग रहा होगा आपको शायद डर लग रहा है या नहीं आप मेरी फैमिली में कोई इसे नहीं पकड़ता है क्योंकि सब इनसे बहुत डरते हैं तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहूँगी कर्मा बिलीवर तो मैंने आपको बता ही दिया इनके कर्म होंगे या जो भी है इनका मेरे साथ क्या लिंक है जो ये मेरे पास है और मंदिर में जैसे भी हम कोई अपने सलोन वगैरह में भी कोई पूजा वगैरह करते हैं तो हम तब भी इन्हें इन्हें इनकी भी पूजा करते हैं क्योंकि हम इनको पहले बोलते थे कहाँ चला गया कहाँ चले गए एंड ऑल तो इनका कोई नाम नहीं था तो फिर हमने इनका नाम रखा है शंकर जी तो हम इन्हें शंकर जी बोलते हैं और मैं उनको बताती हूँ आपको ये पूरा दिन कैसे कैसे रहते हैं सबसे पहले तो मैं इसको इनको रात को जब ये सोते हैं ना तो मैं इनको पिंजरे में रखती हूँ ये इनका छोटा सा एक घर है जो मैंने बना रखा है तो गाय से आपको दिख भी रहा होगा तो इसमें देखो इस कटोरी में थोड़ा सा हमने इनका वो रख रखा है पानी है ठीक है इनको रात को प्याज भी लगती है और ये प्लेट है इसमें हमने थोड़ी सी अभी ना अ, मिट्टी रखी हुई है क्योंकि ये मिट्टी खाते हैं उसी में रहते हैं क्योंकि इन्हें थोड़ी ठंडक लगती है और इसीलिए हमने इनको इसमें रखते हैं अब इसमें रखने का रीज़न क्या है पूरा दिन ना ये गमले में रहते हैं वो मैं आपको गमला भी दिखाती हूँ ये गमला है ये पूरा दिन ना ये एक गमले में रहते हैं इस गमले में गाइस मिट्टी है आप देख रहे होंगे ये पूरा दिन इसी के अंदर मि, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ठंडक लगती है और उसी में रहते हैं बट रात को हम इसमें क्यों रखते हैं इसको इसमें क्योंकि ना ये रात को निकल जाते हैं ये जैसे अभी आप देख रहे हो नहीं कितने बड़े हो गए और ना ये वॉल्स वगैरह पर चढ़ने लग जाते हैं तो रात को पता लगे हम सो रहे हैं और ये कहीं भी चढ़ जाएँ इसीलिए हम इसक इनको इसके अंदर रखते हैं और सुबह हम जब निकालते हैं तब इन्हें नहलाते हैं और जो भी हमें खाने को देना होता है तो हम रात को ही इसमें रख देते हैं और ये खा भी लेते हैं और हम स्पेशली इनकी किस्मत कह लो जो भी कह लो ये ड्राइंग रूम में हमारे रहते हैं और वहाँ पे हम कूलर वगैरह हर चीज़ इनके लिए चल रहा होता है तो कह लो अगेन इट्स कर्मा व्हाट आई बिलीव और हाँ इनको जब से ये मेरे सैलॉन में आए तो मेरे जो मैंने ऑब्जर्व किया मेरे जो बिज़नेस पे बहुत पॉजिटिव वो आया कोई लोग माने या नहीं माने बट कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव वाइज मेरे बिजनेस में आई हैं तो ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस है मैं इसके बारे में जो आपके बारे में शेयर इनके बारे में शेयर कर रही हूँ आपसे तो आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इन्हें मुझे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए इनकी केयर करनी चाहिए नहीं केयर करनी चाहिए या क्या करना चाहिए आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं कुछ क्लिप्स भी शेयर करूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है वो मैं पिक्स आपके साथ शेयर करूँगी और कैसे क्या क्या, क्या खाते हैं इन्हें मैंने चिप्स खिलाए इन्हें मैंने खीर खिलाई और कैसे कैसे हम इनकी पूजा करते हैं वो एक, -एक क्लिप जो मैंने सेव की है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इनकी केयर और कैसे कर सकते हैं इन्हें अपने पास मैं और कैसे रख सकती हूँ आप देख रहे होंगे कितने बड़े हो गए हैं जब ये मेरे पास आए थे फोर मंथ्स बैक तो बहुत छोटे से थे और अभी तो ये बहुत बड़े हो गए अब तो कभी कभी मुझे भी डर लगता है इनसे बट एनी हाउ जब तक ये मेरे पास हैं तो मैं इनकी केयर कर रही हूँ और देखते हैं आगे बाकी अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़

अभी ये थोड़ी देर खेलेंगे हमारे साथ तो चलो सलाह इन्होंने नहा लिए अभी क्यों नहीं चंकचंकी खा रहे बेटा हेलो शंखे आप चिप्स खा रहे हो चिप्स खाए दो ओदो मैं खाने में बिजी रहन बचा हरे शंखे जी